हाय गाइस, वेलकम टू उज़मास कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल और मेरी पर्सनल फेवरेट मज़ेदार सी एग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हाइजीनिक और हेल्दी वे में। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डो तैयार करना है, जिसके लिए मैंने 1.5 कप होल व्हीट फ्लार लिया है, यानी कि आटा लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ऑयल और नमक है वो आटे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं यहाँ पे इसे दूध से गूंधूंगी। दूध से गूंधने से ये होता है कि जो हमारी रोटी है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो बस हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसे बिल्कुल रोटी के आटे की तरह सॉफ्ट गूंध लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। तो ये देखिए, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे ऊपर, और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे हो चुके हैं, आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से गूंद लेंगे, ज़्यादा नहीं गूंदना है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है इस तरीके से करने पर, और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो अब हम इसके डो बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इतने आटे के 4 डो बॉल्स बने हैं हमारे। तो अब हम इसकी रोटी बेलना शुरू करते हैं। तो इसे बस सिंपल, जैसे हम रोटी बनाते हैं घर में, उसी तरीके से बेलना है। थोड़ा थोड़ा सा आटा लगा के और हम रोटी की तरह बेल लें। और बस इसी तरीके से हम सारी रोटियां एक साथ बेल लेंगे। ये देखिए, सारी रोटियां हमने बेल ली हैं, और इस तरीके से ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने बेलते हुए आटा लगाया था इस पे। तो चलिए अब इसे सेकना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और ये जब गर्म हो जाएगा तो हम ये रोटी उस पे डाल देंगे, और जब इस पे थोड़े थोड़े से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो इसे हम पलट देंगे, और 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे इस साइड पे, और ब्रश की हेल्प से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम हाई रखनी है। तो हम पराठे को पलट देंगे, और इस साइड पे भी हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, और इस तरीके से ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड कर देंगे। तो ये हमें ख्याल रखना है कि फ्लेम हमें मीडियम हाई ही रखनी है। अगर हम हाई रखेंगे फ्लेम बिल्कुल, तो पराठा हमारा जल जाएगा, और बिल्कुल लो रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। तो इस तरीके से पलटते हुए हम इस पराठे को सेक लेंगे। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है। हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे पराठे बना लेंगे। अब सेम पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और यहाँ पे 2 एग्स को मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के बीट कर लिया है। इसे अब हम यहाँ पैन में डाल देंगे, और बस डालते ही हमने ये जो पराठा बनाया था उसे हम अंडे पे डाल देंगे। इस तरीके से रखेंगे ताकि जो एग है हमारा वो पराठे पे स्टिक हो जाए। एक तरफ से हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, फूल गया है ये थोड़ा सा। इसे पलट देंगे, और बस 30 सेकंड तक हमें पकाना है, ताकि अगर कच्चा अंडा दूसरी तरफ लगा हो तो वो पक जाए। तो बस ये हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। और ये दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये पराठे को मैंने पैन में रखा है, और इसके ऊपर मैंने 1 अंडा बीट करके डाला है यहाँ पे। इसे हम स्प्रेड कर देंगे पराठे के ऊपर इस तरीके से। तो आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद से हमें लो मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। बस फिर से हम इसे पलट देंगे, और मुश्किल से 30 सेकंड तक इसे इस तरफ से रखेंगे, और बस ये रेडी हो गया है हमारा। अब हम इसे निकाल लेंगे। बस सेम पैन में हमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, और कुछ सब्जियां ली हैं मैंने यहाँ पे, जिसमें प्याज है, गाजर है, हरी मिर्च है, और शिमला मिर्च ली है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। बस इसे हम डाल देंगे पैन में, और इसे हम 1 मिनट तक इस तरह पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च, और इसे 1 मिनट तक
हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डाला है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे और 1 मिनट के बाद से हम इसे बंद कर देंगे। बहुत ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, सब्जियों को हमें क्रंची रखना है। ये रेडी हो गई है, अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो चलिए अब हम रोल की असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग पराठा लिया और उस पे अब थोड़ी सी मेयोनीज लगाएंगे इस तरीके से। बीच में ये केचप मैंने लगाया है थोड़ा सा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी रख सकते हैं। और ये जो सब्जियां मैंने सॉटे की थी उसे रखा है इस तरीके से। और अब हम इसे रोल कर देंगे इस तरीके से, और टूथपिक से आप इसे सिक्योर कर लें। ये एक तरीका मैंने बताया, अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने दूसरा एग पराठा लिया, अब इस पे केचप इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। और ये हरी चटनी ली है मैंने, जो कि घर में नॉर्मली पुदीने और धनिया की बनती है ना, बस वही वाली हरी चटनी है, तो उसे इस तरीके से लगाना है। और ये जो सब्जी है उसे लगाएंगे और बस इसे रोल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। ये दोनों तरीके से बहुत मजेदार लगता है, आप दोनों में से कोई भी तरीका ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। और आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।